श्रीकाल नमस्कार वेलकम टू आल बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारयां दा पंजाब अड्डा 24/7 चैनल ते जिथे प्रेपरेशन हो रही है पंजाब दे सारे एग्जाम्स दी असी लेके आ रहे एक नवा शो जिहदा नाम है साडा पंजाब साडी गलबात जिस विच आपां गल करांगे पंजाब ते पंजाबियां बारे खास करके पंजाब दे नौजवानां दे भविख दी गल करांगे उह सारे मुद्दे उह अहम मुद्दे जो पंजाबियां दे फ्यूचर डिसाइड करनगे चाहे उह पोलिटिकल होवे चाहे इकनोमिकल होवे किसी भी तरीके नाल उहदी गलबात कीती जाएगी जो स्टार्ट होण जा रहा है हर एतवार सवेरे 11 बजे लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करो पंजाब अड्डा 24/7 चैनल नूं ते डाउनलोड करो ऐप अड्डा 24/7। A very good afternoon to you all. My name is Nitika Gupta and I'm your English faculty at Punjab Adda 24/7. और सभी का सत श्री अकाल, सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत करती हूँ मैं पंजाब अड्डा 24/7 के इस चैनल पे और मैं अपने सेशन में भी आप सभी को वेलकम करती हूँ। सो वेरी गुड आफ्टरनून कमल जी, लखविंदर जी, सरदार जी, सत श्री अकाल। चलिए गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ PSSB बैच। कल हमारा पहला सेशन था मॉक टेस्ट का, पहली सीरीज स्टार्ट की थी कल हम सभी फैकल्टीज ने। सो आज इसका दूसरा मॉक टेस्ट चल रहा है तो आज हम दूसरे मॉक टेस्ट के ऊपर वर्कआउट करेंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून गुरपाल जी। तो आज जैसे कि हम फ्रंट में कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, जरूर समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव लर्न्ड वोकैबुलरी वर्ड्स, वी हैव लर्न्ड प्रोवर्ब्स, वी हैव लर्न्ड ईडियम्स एंड वी हैव स्टार्टेड रूल्स ऑल्सो। सो आज के सेशन में हम डेफिनेटली रूल को समझेंगे। ओके, लेट्स वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स, लेट्स अदर्स ऑल्सो ज्वाइन क्योंकि इम्पॉर्टेंट रूल्स है। आई वॉन्ट कि इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशंस का बेनिफिट उठाएं वो लोग। अ वेरी गुड आफ्टरनून रजिंदर जी, पंजाबी हिस्ट्री जी, वेरी गुड आफ्टरनून पंजाबी इंडस्ट्री। यू कैन राइट योर नेम एज वेल, इट विल बी गुड। रजिंदर जी आई एम गुड, आप बताएं आप कैसे हैं। भावना जी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा सभी को। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बलजीत कौर जी वेरी गुड आफ्टरनून, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं इंतज़ार करती हूँ मैं कब आऊँगी आपके सामने, आपके समक्ष, आपके साथ बात करने, आपको कुछ ना कुछ समझाने और सीखने के लिए भी मैं ज़रूर आती हूँ रोज 12 बजे। तो मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू गाइस फॉर आस्किंग, आई एम गुड यार। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस सेशन को। पहला रूल जो हम फ्रंट में बात करते हैं कोई वोकैबुलरी वर्ड की, आज हम लेकर आए हैं रूल ऑफ द डे। तो अगर मैं रूल ऑफ द डे में बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। रूल क्या कहता है, अगर हम आइदर और का इस्तेमाल करते हैं या नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी कंजक्शन की पेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ ये मेंशन कर रही हूँ कोई भी कंजक्शन की पेयरिंग, उस केस में क्या रूल लगता है। उस केस में वो कहता है प्रनाउन जो यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए। कमलप्रीत सिंह जी दो रूल हैं आइदर और के, एक्चुअली 3 रूल हैं आइदर और के, जो आप कह रहे हो वो उनमें से एक है, जरूर है, लेकिन लेकिन हाँ ये रूल समझते हैं ये क्या कहता है। आइदर और नाइदर रूल नॉर के केस में अगर हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ 2 सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, ही और शी, है ना, 2 सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, या फिर हिज सिस्टर, आइदर हिज सिस्टर और हिज ब्रदर, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का हमने यूज किया है, हिज सिस्टर 1 सब्जेक्ट हो गया, हिज ब्रदर 2 सब्जेक्ट हो गया, आइदर फ्रंट में आ गया और बीच में आ गया। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है इस केस में जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देयर की, देयर एक प्लूरल फॉर्मेटिंग है, रूल ये कहता है कि यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो दैट मीन्स देयर की जगह यहाँ पे हिज आना जरूरी था, तो ये रूल करेक्ट माना जाएगा। दैट मीन्स आइदर नाइदर के केस में जब हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं आइदर और का, नाइदर नॉर का, उस केस में आपने क्या चीज याद रखनी है, प्रोनाउन यूज करेंगे जो भी हम, वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ देखते हैं आइदर ही और शी कुक्स डिनर, ये दूसरा रूल है। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून नितिन जी, निकिता बंसल जी, सोनिया बंसल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सो दिस इज द सेकेंड रूल। रूल सेज अगर दो सब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं, अगेन ही और शी, उस केस में जो हमारा वर्ब होगा, चाहे वो मेन वर्ब है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या होना जरूरी है, वो भी सिंगुलर होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, एस ई एस का उपयोग करते हैं। तो एस ई एस को यूज करके हमने उसकी फॉर्मेटिंग सिंगुलर में बना दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कुछ सेंटेंस देख सकते हैं, आई डोंट नो आपको ये विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा आई थिंक सो। आइदर माय हर सिस्टर, हिज सिस्टर और हिज ब्रदर इज कमिंग, तो इज कमिंग यानी इस पार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर केस होना चाहिए। तो ये दो रूल थे, तीसरा रूल भी समझते हैं। जस्ट वेट, जस्ट गिव मी वन मिनट। Either the student or his sisters failed in his duty. Rule number 3 क्या कहता है? Suppose एक subject हमारा singular है और एक subject हमारा plural है, उस case में क्या rule follow करेंगे? उस case में जो जहां पे pronoun use किया जाएगा है ना, वो क्या होना चाहिए, वो plural pronoun होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, plural pronoun होना चाहिए। अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल नाउन यूज करते हैं, दो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, उस केस में जो हम नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये थे रूल। सेम विद द हेल्पिंग वर्ब, अगर सपोज एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो उसके बगल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो बिल्कुल उसी सब्जेक्ट को फॉलो करेगा जिसके साथ में वो यूज किया गया है। सपोज यहाँ पे बहरहाल कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं है, लेकिन हम लगाना चाह रहे हो, आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो अगर यहाँ पे हैज लगा होगा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स वर्ड है वो प्लूरल है, जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, और उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रूल है, जब हम वीडियो को वीडियो बंद हो जाएगी, सपोज आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा से ये रूल्स को जरूर देख लेना। ये तीन रूल्स हमने समझे हैं जो एक साथ के रूल्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत बार एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं। चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मॉक टेस्ट नंबर 2 में देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से आंसर्स देंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आपको लगता है करेक्टली स्पेल्ड है उसका आंसर आप मुझे देंगे। वेरी गुड आफ्टरनून मनिंदर जी जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। इट्स सनी, यस इट इज करेक्ट। पोजीशन मैटर करती है, सपोज
हमें किस चीज को फॉलो करना है, हमें सेकंड पार्ट को फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब यूजुअली सेकंड पार्ट में आता है जब हम दो सब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ वाले सब्जेक्ट को हम देख लेंगे। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां प्लूरल यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज करेंगे, उससे कभी भी हमारा वो गलत नहीं होगा। गुड आफ्टरनून निशा जी, ज्योत सिद्धू जी एंड निकिता बंसल जी को तो मैंने कर ही दिया था। चलिए गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी टाइम पे आते हो, आपको पता है एक मिनट भी लेट हुए तो कुछ ना कुछ आपका मिस हो जाएगा। चलिए आंसर्स में आपने दिया है पायोस। पायस क्या होता है? पायस होता है पवित्र, है ना, कोई भी चीज पायस है, जैसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टर्म से रिलेटेड ही है ये पायस, पवित्र से, है ना। तो जो भी चीजें पवित्र होती हैं वो पायस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वेरी गुड आफ्टरनून हरभजन जी, गुड आफ्टरनून अर्शप्रीत जी, गुड आफ्टरनून रमन जी। Guys, do like the session, like करना है session को साथ साथ में ही। Okay, Rajinder कौर जी कह रहे हैं B। सोनिया बंसल जी कह रहे हैं D। कमलप्रीत जी कह रहे हैं D। लखविंदर जी कह रहे हैं रिपीट करो, किसको रिपीट करना है लखविंदर जी? कमल जी कह रहे हैं बी। बलजीत जी कह रहे हैं डी। मनिंदर जीत जी कह रहे हैं डी। रमन कौर जी डी, डी बी 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 ओमिटेड निशा जी ने लिखा है। गुरपाल जी कह रहे हैं बी। ओके, सो वी हैव सो मेनी आंसर्स, देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ओमिट करना खाली छोड़ना है ना, स्पेस छोड़ देना, तो रूल क्या याद रखना है, ओमिट लिखते हैं हम, इतना हमें आता है, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना है, टिड, ओमिटेड। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करके याद रख सकते हैं। ओमिट में हमें पता है सिंगल एम आता है, यही तो कंफ्यूजन दिख रहा है हमें कि सिंगल आएगा डबल आएगा, यही कंफ्यूजन था ना मेन। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, ओमिट में एज इट इज लिखेंगे, टेड एड कर देंगे, ओमिटेड आ जाएगा। जोड़ दिया तो देखो क्या स्पेलिंग बन गया, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर बन गया, बहुत इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है ये। स्पॉटिंग एरर, गुरपाल जी पूछ रहे हैं ओमिट का मतलब क्या होता है। ओमिट का मतलब होता है खाली छोड़ना या कोई चीज मेंशन करना भूल जाना, है ना, भूलना या छोड़ देना। फॉर एग्जांपल चेयर्स लगी हैं लाइन में, तो आपने क्या किया, ये वाला पार्ट खाली छोड़ दिया, इसमें बैठ गए, इसमें भी बैठ गए, लेकिन ये खाली छोड़ दिया। तो ओमिट करना इज टू लीव ब्लैंक या फिर भूल जाना कोई चीज मेंशन करना, उसका मतलब होता है ओमिट।
So, Gurpal ji, I hope it is clear to you. Okay, everyone is saying CBCB. देखते हैं, बहुत इजी था. While he was returning from the office, a man attacked on him with a dagger. Dagger छुरे से मारना या कोई तेज चीज से मारना. तो अटैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज से वार करना, किसी के ऊपर, है ना, के ऊपर किसी पे वार करना. इसको इस तरह से लिख लेते हैं, किसी इंसान के को के ऊपर वार करना. तो अटैक का ऑटोमेटिकली मतलब यही होता है. उसमें वी डोंट हैव टू राइट ऑन. सो ओन हेयर इज सुपरफ्लुअस. ठीक है, कोई मतलब, कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई प्रेपोजिशन को ऐड करने की रिक्वायर नहीं होती. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. क्या कहते हैं? ये ऑटोमेटिकली, ये कंप्लीट वर्ब है, इसमें कोई प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है. तो अटैक्ड के साथ ऑन नहीं आएगा. ये हमारा करेक्ट आंसर है, सी. ठीक है, डैगर क्या होता है? चाकू, छुरा, जो हम कृपाल वो यूज करते हैं उसे हम डैगर बोलते हैं. नेक्स्ट, ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड फॉर टू कप्स ऑफ कोल्ड कॉफी विच द वेटर ब्रॉट इन एन आवर. गुड आफ्टरनून अनु जी. गाइस डू लाइक दिस सेशन. लाइक करना है सेशन को. ठीक है, नरेंद्र यादव जी कह रहे हैं मैम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं. चलो थैंक यू यार, पढ़ाई कर लो साथ साथ में. He took me to a restaurant and ordered for two cups of cold coffee which the waiter brought in an hour. Answers do fast यार. answers कहाँ है आप लोगों के? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? B resemble के साथ भी preposition use नहीं होता, क्योंकि resemble का मतलब होता है किसी से मेल खाता है. तो जो से word होता है वो automatically इसमें होता है. इस तरह की word जिसमें preposition required नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? transitive verb, transitive कहते हैं. तो उनके साथ prepositions required नहीं होती. okay, b b b. देखो, मैंने कोई चीज order किया, ordered, थर्ड फॉर्मेट लगी है. ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड टू कप्स. यहाँ पे ये फॉर अगेन नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑर्डर करना, किसी चीज के का ऑर्डर करना है ना. कोई आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पे आपने सैंडविच ऑर्डर किए हैं, तो ऑर्डर्ड फॉर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा बोलने में भी और लिखने में भी. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इसके साथ प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है. अगेन देयर इज द सेम एरर विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस एरर पोर्शन. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये पार्ट आपको PSSB में मिलता है गाइस. ये है हमारा, एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है. सेंटेंस तोड़ के लिखा गया है, रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो. तो रीअरेंजमेंट इस तरह से भी आते हैं वर्ड्स की फॉर्मेट में, रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस की फॉर्मेट में भी आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे गिव यू एन इजी वन ओनली. ठीक है, तो ये आपको रीअरेंज करके देना है. यहाँ पे ये सीक्वेंस लगी है, कौन सा सीक्वेंस इसका आंसर रहेगा. गुड आफ्टरनून मीनू जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा. सुखविंदर सिंह जी कह रहे अंग्रेजी वाला काम बड़ा औखा है, अज तक समझ नहीं आया. कोई गल नहीं जी, आप समझ रहे हैं, कभी ना कभी तो समझ ही जावांगे. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. डी इज द आंसर, वेरी गुड. Four is correct. Okay, okay, right, right, right. Just wait. यहाँ पे sequence गलत लिखी है, रुको. 1, 2, 3, 4, 5. ये sequence लिखी है 5 की, ये 4 की, ये 3 की. Sequence गलत लिखी है यहाँ पे.
तो मैं ये मान के चलती हूँ आप मुझे ये फोर्थ वाला आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो फोर्थ क्या है समझ लेते हैं पहले। द, द के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है? द होटल सब्जेक्ट हो गया हमारा। जब कभी हम कोई सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो यही तो फॉर्मेशन यूज करते हैं, ये बेस वर्ब 1 2 3 फॉर्मेट आ जाएगी। द होटल वॉज नॉट, ठीक है? ऑब्जेक्ट में वेरी वेरी है ही नहीं, कंफर्टेबल डायरेक्टली। द होटल वॉज नॉट कंफर्टेबल। द होटल देख सकते हैं 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3। तो ये हमारा आंसर हुआ 5 2 4 1 3, ठीक है? इस तरह से फॉर्मेटिंग आपके एग्जाम में आती है। अगेन द सेम फॉर्मेट क्वेश्चन इज गिवन हियर। वेरी गुड आफ्टरनून अर्श जी। गुड आफ्टरनून प्री कश्यप जी। नरेंद्र यादव जी सेइंग 5। देखते हैं, अगेन मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है पहले, फिर वर्ब ढूंढना है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो वो ढूंढेंगे, फिर अगर मेन वर्ब गिवन है तो वो ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये सेंटेंस की फॉर्मेटिंग है, इसी फॉर्मेट से हम ढूंढेंगे। आए हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना? आई हैव ट्रबल, ट्रबल मेरा मेन वर्ब हो गया। आई हैव ट्रबल, ऑब्जेक्ट में क्या लगा देंगे? विथ एडवर्ब्स, विथ एडवर्ब्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में चला गया। तो इस तरह से देखो कितना इजीली हमने आंसर आइडेंटिफाई कर लिया है। सो आई फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, हैव 1 हो गया, और ट्रबल 3 4 एंड 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5। सो हमारा आंसर बना है थर्ड वन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत इजी थे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर से ही मैंने पिक किए हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि एक बार आप पैटर्न देख लें, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप वहाँ ब्लैंक ना हो जाए कि ये क्या पैटर्न आ गया है, क्या करना चाह रहे हैं। तो ये पैटर्न जब भी कोई नया मुझे दिखता है कि हमने वर्कआउट कम किया है, तो मेरी कोशिश यही रहती है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जरूर लेकर आऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, इसे हम मीनिंग के क्वेश्चंस कहते हैं, या फिर इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कहते हैं, या इसे हम वोकैबलरी के क्वेश्चन कहते हैं। ये वोकैबलरी वर्ड हमने कर रखा है। अगर आप मेरे सेशंस को रेगुलरली लगा रहे हो, ये मुझे पता है आपको आते हैं। पेपर का ही क्वेश्चन है ये सोनिया, पेपर का यही क्वेश्चंस हैं, ये पेपर से ही मैंने पिक किए हैं क्वेश्चंस आपके। पेपर तो ठीक आते हैं, पीएसपीसीएल का देखा आपने, कोई टफ तो नहीं था वो। कोई एक आधा पेपर आया होगा कि ठीक है वो मॉडरेट लेवल का आया है, लेकिन पेपर तो बहुत इजी आया था वो भी। चलिए आंसर्स देंगे। कॉन्क्यूबिनेज हमने पढ़ा था वोकैबलरी में, जो लड़का लड़की शादी के बाद, शादी के बिना रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, जो बिना मैरिज के इकट्ठे साथ में रहते हैं, उसे हम कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। बाकी वर्ड्स को समझ लेते हैं। मैरिज हमें पता है क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड्स को हम समझते हैं। एक्विपेज, एक्विपेज का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं। कोई ऐसा इक्विपमेंट जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बना होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, आप भी यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है एक एक्यूपेज मशीन का, जिस जो इस्तेमाल होती है फॉर रेस्टिंग पर्पस, रिलैक्सेशन पर्पस के लिए ये यूज होता है। इसी तरह से माइक्रोवेव यूज होता है खाना गर्म करने के लिए, और कोई कोई डिशेस को बनाने के लिए। इसी तरह से कॉटन बनने के लिए एक इक्विपमेंट यूज होता है। इसी तरह से जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे पर्पस है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स बने होते हैं। तो जिस पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए इक्विपमेंट्स बनते हैं,
उसे हम एक्विपेज कहते हैं। दूसरी चीज ये याद रखनी है, इसमें ये नॉर्मल चेयर तो नहीं है ना कि जब मन चाहा हमने घर पे रख ली और इसी में बैठ गए, ड्राइंग रूम में रख ली और हम बैठ गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये एक स्पेशल पर्पस की एक इक्विपमेंट है, इसीलिए इसे हम एक्विपेज कहते हैं। एक बोलते हैं, इक्वी नहीं बोलना है, ठीक है। दूसरी बात, एक और मतलब होता है ये जो कैरिज है और हॉर्सेस के साथ जिसमें अटेंडेंट्स भी होते हैं उसे भी हम इक्विपेज कहते हैं, जिसमें हॉर्सेस भी है, कैरिज भी है और अटेंडेंट भी है, उसे हम इक्विपेज कहते हैं। तो दो मतलब है याद रखने। नेक्स्ट वर्ड था हमारा लाइनेज। लाइनेज का मतलब होता है जिस एंसेस्टर से कोई पर्सन डिसेंडेंट होता है, यानी हमारे जो परदादा परदादी, हमारे दादा दादी, उनसे ही तो ये जनरेशंस डिराइव हुई है ना। तो ये जो बेस क्लास है जो हमने परसों समझी थी या कल के सेशन में समझी थी कि बेस क्लास कौन सी होती है और डिराइव्ड क्लास कौन सी होती है, तो ये जो बेस क्लास है यार, ये ना कंप्यूटर के टर्म्स हैं, कई बार मैं बीच में यूज कर जाती हूँ, लेकिन हाँ इसको ये भी कहते हैं, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो ये जो बेस क्लास है हमारे परदादा परदादी, हमारे और बड़े बड़े जो हमारे दादा दादी, वो बेस क्लास है, उसे हम लीनिएज कहते हैं जिससे हम लोग डिराइव हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या था? यस, हमारा आंसर कॉन्क्यूबेनेज था, बाकी वर्ड्स हमने समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ये मैंने क्वेश्चन आपको वोकैब में करवा रखा है अगेन। रमन कौर कह रहे हैं, मैम पीएसपीसीएल में इंग्लिश बहुत इजी थी। इंग्लिश इसलिए इजी लगी क्योंकि आपने तैयारी कर चुके हो, ठीक है, आप 2 महीने से इंग्लिश के सेशंस मुझे पता है रोज लगा रहे हो और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। तो जब हम समझ जाते हैं क्वेश्चंस को, जब हमें रूल्स आ जाते हैं, जब हमें वोकैबुलरी आ जाती है, तो वो चीज़ बहुत इजी लगती है जिसपे हम ऑलरेडी वर्कआउट कर जाते हैं। अगर नहीं आता था, देखो पेपर कल भी इजी था, जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ वो पेपर से ही उठा के करवा रही हूँ, पेपर तो कल भी इजी था, लेकिन वो हमें मुश्किल लगता था क्योंकि हम पढ़ के नहीं जाते थे, ठीक है। तो यस, पेपर इजी आता है उस स्टूडेंट के लिए जिसने पढ़ा हो। गाइस डू लाइक दिस सेशन, लाइक करना है सेशन को। अमनदीप, इंग्लिश का बैच यूट्यूब पे बात कर रहे हो या पेड बात कर रहे हो? अगर पेड बात कर रहे हो तो कल हमारी सेकंड क्लास थी। यूट्यूब पे बात कर रहे हो तो अगेन, ये पहले भी मैं P++B का करवा चुकी हूँ मॉक टेस्ट, लेकिन आज दूसरा मॉक टेस्ट है यूट्यूब पे। ओके, आर्चिव इसका आंसर है, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। अगेन ये कंप्यूटर में भी यूज होता है, कंप्यूटर में भी स्टोरेज प्लेस को हम आर्चिव कहते हैं, स्टोरेज प्लेस को। अगर आपने वो ध्यान दिया होगा अपने मोबाइल्स में, अपनी ईमेल्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो कुछ मेल्स को हम आर्चिव कर देते हैं, उसको अलग से स्टोर कर देते हैं। जब उस पर्टिकुलर मेल को हम क्लिक करते हैं, उस मेल पे एक ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, उसमें से अगर हम आर्चिव कर दें तो वो फ्रंट से गायब हो जाती है और कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, कहीं स्टोरेज में जाके वो सेव हो जाती है। और जब आप उसको दोबारा से ऑल मेल्स करते हैं, वो आर्चिव वाला मेल भी फ्रंट में आ जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे चीजें रिकॉर्ड वगैरह या पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि वो गुम ना हो, ताकि वो सेफ रहे, उसे हम आर्चिव कहते हैं। म्यूजियम का हमें पता है क्या होता है, शेल्फ का हमें पता है, हमारे घरों में भी शेल्फ बने होते हैं, सामान वगैरह रखे जाते हैं। सेलर को समझ लेते हैं क्या चीज है। सेलर क्या होती है? एक अंडरग्राउंड रूम बनाया जाता है, अगेन फॉर स्टोरिंग सम थिंग्स। तो कोई भी सामान को रखने के लिए जब अंडरग्राउंड कमरे बनते हैं, ये घरों में भी बनते हैं, ये शॉप्स वगैरह के लिए पर्पस से भी बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी बनाए जाते हैं, और जो हमारे दूसरे और बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, शोरूम्स हैं, उनमें भी बनाए जाते हैं। तो कोई बड़े कमरे बनाए जाते हैं,
स्टोरेज के लिए उसे क्या कहते हैं, सेलरी, लेकिन ये अंडरग्राउंड कमरे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मस्ट व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली, इसे हम कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी नहीं लेकर आई, थोड़ा सा प्लस लेवल है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये सेशंस लगाए हैं आपको आ जाएंगे आराम से। राजिंदर कौर कंप्यूटर के सर हैं, धीरेंद्र सर, ही इज टीचिंग यू वेरी गुड इन अ वेरी गुड मैनर, तो वही कराएंगे। दो सब्जेक्ट्स को पकड़ के ना खिचड़ी पकती है और कुछ नहीं होता। PSPCL का पेपर अच्छा आया था सोनिया, तो उसकी जो कट ऑफ जाएगी वो अच्छी जाएगी। अच्छा मींस इजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, एक्सेप्ट वन और टू सब्जेक्ट्स, वो भी पूरे पूरे डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन इजी था तो कट ऑफ ठीक जानी चाहिए। बेसमेंट रजिंदर कौर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बेसमेंट में कुछ लोग ऑफिस वगैरह भी बना लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि बेसमेंट में लोगों के ऑफिस बने हैं, तो वो स्टोरेज तो नहीं हुई ना बेसमेंट में। तो बेसमेंट एक अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है। आपका बना, आपके घर में अगर बेसमेंट है तो आपने अपने पर्पस से बनाया है। मेरे घर में बेसमेंट है, मैंने अपने पर्पस से बनाया। शॉपकीपर ने बेसमेंट अपने पर्पस से बनाया, तो उसका पर्पस डिफरेंट हो गया। वहां बात हो रही है स्टोरेज की, तो अगर बेसमेंट स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है तो देन इट इज ओके। अगर बैठने के लिए यूज हो रहा है, कई लोग तो कमरे बनाते हैं ना बेसमेंट में अपने रहने के लिए, तो फिर वो बेसमेंट उस पर्पस से हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। मनदीप कौर, हल हर एक टीचर का कोड अलग है, यस यू आर करेक्ट। 5356 मेरा कोड है, ये याद कर सकते हो अगर आपने कोई बैच परचेज करना है। हर एक टीचर का कोड अपना है। चलो, वन व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली, समझते हैं इसको। देखो, हमने समझा था अगर मस्ट को हमें चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो हम क्या करेंगे, हम मस्ट के साथ मस्ट बी ऐड कर देंगे, कुड के साथ कुड बी ऐड कर देंगे, कैन के साथ कैन बी ऐड कर देंगे। बस इतनी सी बात हमने समझी थी, इसको देख लेते हैं। वन मस्ट डू प्रॉपरली, वन मस्ट बी डन प्रॉपरली, साथ में हाँ जी थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। One must be done properly, one must do properly, ये तो इनका वो हो गया एलिमिनेट। दूसरी चीज समझते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा ना, इसको तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। सो इट मस्ट बी डन प्रॉपरली, वॉट वन मस्ट डू, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखें, अगर सेकेंड फॉर्मेट में भी तो मस्ट के साथ बी आना जरूरी था, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। इट मस्ट बी डन, वन मस्ट डू प्रॉपरली, ये भी एलिमिनेट हो गया। वन मस्ट डू व्हाट हैज टू बी डन, ये भी एलिमिनेट हो गया। केवल एक ये फर्स्ट वाला रह गया है जिसमें करेक्टली इसने फॉर्मूला अप्लाई किया है, व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, जो भी किया जाए वो अच्छे से किया जाए, उसी का फायदा होता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर बनता है, ये हमारा आंसर रहेगा। बाकी में देख सकते हो, वन मस्ट डू है, यहाँ पे देखो मस्ट बी डन है, मस्ट डू है, मस्ट डू है, हैज है, तो बाकी सारे हम एलिमिनेट कर देंगे, वन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आपने आंसर्स को करेक्टली दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस इज द कोड, जो आप टीचर्स के कोड की बात करते हैं, यस दिस इज माय कोड, मेरे सेशन के नीचे एक स्क्रॉल टिकलिंग भी चल रहा है, उसमें भी आ रहा है। Y356 इज द कोड, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, कोई भी बैच परचेज करना है, जैसे हमने P SSS का बैच लॉन्च किया, स्टार्ट किया है हमने, और इसकी आज थर्ड
क्लास रहेगी। मैंने दो टॉपिक्स करवा दिए हैं ऑलरेडी, टेंसेस के दो टॉपिक्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। आज के सब्जेक्ट में, आज के टॉपिक में मेरा चलेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो उसे हम समझेंगे। इसी तरह से हर एक टीचर एक एक टॉपिक को पकड़ के पढ़ा रहा है, तो आप इसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं, PSSSB का बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर महापैक है उसे परचेज कर सकते हैं। महापैक में आपको 2 ईयर्स का वैलिडिटी मिल जाएगा और 1 ईयर का वैलिडिटी मिल जाएगा। डायरेक्टली 78% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि PSSSB का जो बैच है वो आपको मिल जाएगा 1759 रुपीज में, और अगर महापैक आप परचेज कर रहे हो तो 3079 रुपीज में मिल जाएगा। ये कोड को अप्लाई करने से Y356 कोड मैं यहाँ लिख रही हूँ, अड्डा की ऐप से परचेज कर लीजिएगा, कॉइन्स यूज कर लीजिएगा, उससे 1% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। क्या रिपीट करना है? टीचिंग तो वही, स्टाफ वही रहेगा मनदीप, स्टाफ वही है जो YouTube पे पंजाब अड्डा पे आ रहे हैं, स्टाफ वही स्टाफ है। He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination. So what you have to do is आपको active to passive voice में convert करना है। कैसे answer देंगे, क्या answer देंगे बताएंगे आप? Lineage का मतलब है base class जहां से हम derive हुए हैं, पूर्वज कह सकते हो, जहां से हम आए हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, दादी दादा परदादी परदादा, उनके भी आगे की जो जनरेशंस हैं, हमारी जो जनरेशंस हैं फ्रंट वाली, वो लीनिएज होती, लाइनेज नहीं लीनिएज होती है। बैंक एग्जाम प्रिपरेशन हाँ जी करवाते हैं, अभिजोत करवाते हैं। निकिता जी क्या रिपीट करना है? चलिए आंसर देंगे। एवरीवन इज सेइंग ए, लेट्स सी द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या बनता है। देखो वॉज कन्वर्टेड, हमने क्या समझा था कि एक्टिव वॉइस का सबसे पहले हमें मेन वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है वो क्या फॉर्मेट में है। तो अगर मैं एक्टिव वॉइस का बाय है ना, ये सॉरी ये पैसिव है, बाय वाला फॉर्मेट है, तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। सो वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड है, What does that mean? इसका मतलब है कि मुझे past continuous का sentence है, इसको -1 में करना है, यानी simple past में convert करना है। तो his teacher congratulated, यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आया, next देख लेते हैं। His teacher हमारा object है, his teacher congratulated him on his brilliant success in the recent examination. तो जिसमें ये complete sentence लिखा गया है वो हमारा answer होना चाहिए, his teacher congratulated him। आगे ये वाला part तो same ही आएगा ना, किस चीज के ऊपर उसने congratulate किया? On his brilliant success in the recent examination, on his brilliant success in the recent examination, ये हमारा answer है। बाकी किसी में भी complete sentence ही given नहीं है, तो वो सारे eliminate कर दिए हमने, तो हमारा answer क्या बन गया? 1 वाला, A वाला, ठीक है। चलिए next, हिंदू vocabulary को start करते हैं guys। हिंदू vocabulary आ गई है, editorial की vocabulary है आज की date की, समझते हैं contentious। contentious का मतलब क्या होता है? कोई चीज कॉन्ट्रोवर्शियस है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई चीज जिससे लड़ाई हो सके, जिससे झगड़ा बढ़ जाए। एग्जाम्पल में मैंने लिए हैं दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिया है मीडिया। मीडिया में अगर एक बात कोई जर्नलिस्ट के मुंह से निकल जाती है, अगर एक बात मीडिया में किसी न्यूज रीडर के मुंह से निकल जाती है, तो क्या करते हैं समाज, दुनिया क्या करती है, या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं दूसरी, वो उस बात को उछालती है कि इस व्यक्ति ने, चाहे वो मीडिया वाले ने कोई बात कही हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ने कोई बात कही है, चाहे आम जनता ने, चाहे आजकल वो कंगना का विवाद चल रहा ना, कंगना ने भी कोई बात बोल रखी है गांधी जी के ऊपर,
तो कोई बात अगर किसी के मुंह से निकल जाती है, कोई बोल देता है, तो बाकी लोग उसका विवाद बना देते हैं, उसके ऊपर झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई घटना जिससे आर्ग्यूमेंट बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंटेंशनस। मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक मैंने उदाहरण लिया है मीडिया का, दूसरा मैंने पॉलिटिक्स का उदाहरण लिया। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट में भी क्या होता है? वाद विवाद ही तो चल रहे हैं। एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, सब बैठ के कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और दूसरा इंसान इस फिराक में रहता है, इस उस चीज को वो नोटिस करेगा कि कब किसी के मुंह से कोई गलत बात बोल निकले और हम उस पे मुद्दा क्रिएट करें और हम इस पार्लियामेंट को खत्म करें और बाहर जाके धरने लगाएं। तो कोई भी ऐसी बात जिससे घटना, कोई ऐसी बात या घटना जिससे वाद विवाद बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंटेंशियस। याद रखना है, कंटेंशियस कहते हैं। लखविंदर सिंह मैम, टेस्ट, कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हो आप? ठीक है, तो डिस्प्यूटेबल कोई भी बात हो जाती है, उसे हम कंटेंशियस कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, कोई चीज देना। मेरे पास क्या चीज है? मैं अपना उदाहरण लेती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या चीज है? मेरी स्किल्स, मेरे पास चीज है, मेरी जो स्किल्स है पढ़ाने की, मेरी जो स्किल है समझने की, मेरी जो इंग्लिश ग्रामर की स्किल्स है, मेरी जो इंग्लिश की स्किल्स है, ये मेरी स्किल्स है ना। व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, आई एम गिविंग, आई एम ऑफरिंग, आई एम प्रोवाइडिंग। तो जो भी मेरे पास है स्किल्स, मैं क्या कर रही हूँ? मैं बांट रही हूँ, मैं दे रही हूँ। कहते हैं, मैंने ये बात बचपन से सुनी है, बांटने से हमेशा चीजें बढ़ती हैं। तो मेरे को कमी नहीं हो रही, किसी भी रूल्स को अगर मुझे समझाना है, मुझे कमी नहीं होती, मुझे और ज्यादा क्लैरिटी बनती है, मुझे और अच्छे से चीजें समझ आती है। तो बांटने से हमेशा चीजें बढ़ती हैं। उदाहरण ले सकते हैं, मैंने एजुकेशन का उदाहरण लिया है, हम चैरिटी का उदाहरण ले सकते हैं। अगर कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, चैरिटी कर रहा है, तो क्या उसके उसके पास पैसा कम हो जाएगा? कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता। अगर वो अपने सागर से एक बूंद को निकाल के दे देगा, तो उसके सागर में क्या कमी आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो बांटना, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पे कोई चीज बांटना, अच्छी चीजें देना दूसरों को, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पार्ट। याद रखना है, किसी को कोई चीज ऑफर करना, इम्पार्ट करना, उसे कहते हैं। नेक्स्ट, इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज डैमेज हो जाना। मैंने यहां उदाहरण लिया है अल्कोहल का, मैंने यहां उदाहरण लिया है सिगरेट का, मैंने यहाँ उदाहरण लिया है वाइन का। तो क्या ये जो हम काम कर रहे हैं, अल्कोहल लोग पीते हैं, करते हैं ना, सिगरेट्स लेते हैं या वाइन वगैरह पीते हैं या जो भी एक्स वाई जेड ड्रग्स वगैरह लेते हैं, क्या इससे क्या वो बहुत अच्छा फिजिकली और मेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं? क्या उनके मेंटल हेल्थ में इससे सुधार आ रहा है? कहते हैं कि जैसे जैसे ये सब चीजें हमारे अंदर जाती हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धिमता है, जजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो कम होती जाती है और हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिग्रेड होती जाती है। तो फिजिकल हेल्थ को भी मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं और मैं अपनी बुद्धि को भी नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो मैं क्या भले का काम कर रहा हूं, प्लस पैसे भी खराब कर रहा हूं। तो इम्पेयर का मतलब होता है कोई चीज को खराब करना, कोई चीज को डैमेज करना, कोई चीज को वीकन करना, कमजोर करना, इज इम्पेयर। एक और मेरे माइंड में एक उदाहरण चल रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण है, लाउड म्यूजिक जो हम सुनते हैं यूजुअली, आप हम लोग सुनते हैं ना लाउड म्यूजिक, गाड़ियों में लगा लेते हैं लाउड म्यूजिक या फिर डीजे वीजे बजते हैं, उससे क्या होता है? उससे हम अपने आईज, उससे हम अपने कानों को ही तो इम्पेयर कर रहे हैं। तो उसकी जो स्पीच पावर है, उसकी सुनने की जो क्षमता है, उससे उसकी कमी पड़ती है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो ईयर्स के मैंने उदाहरण यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट,
डैमेज करना, स्पॉइल करना, वेरी गुड राजेंद्र ग्रांट। चलिए नेक्स्ट, श्राउड का मतलब क्या होता है? श्राउड का मतलब होता है कपड़ा, शीट, जिसे हम कपड़ा भी कहते हैं, जिसे हम क्लोथ भी कहते हैं। अगर मैं जनरली एक्चुअल टर्म की इसकी बात करूं तो श्राउड क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है उसके बाद जो बॉडी को ढकने का कपड़ा होता है ना, पर्टिकुलरली उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। मैं यहाँ वो पिक्चर नहीं लगाना चाह रही थी, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट प्लेस्ड दैट पर्टिकुलर पिक्चर। लेकिन हाँ, कपड़े को, कोई चीज को, बॉडी को ढकने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल होता है उसे हम श्राउड कहते हैं, उसे हम आवरण कहते हैं, रैप करना किसी चीज से। या फिर कुरियर सर्विस में जब कुरियर को भेजते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बोरियों से, शीट से वो रैप करते हैं बॉक्स को, कार्टन को, सो दैट वो जो है वो बॉक्स खुले ना। जो बुक्स वगैरह लोग मंगवाते हैं, जो बाहर से अमेजोन का सामान आता है, वो पर्टिकुलर बॉक्स को भी कवर करके भेजते हैं। अमेजोन वाले नहीं भेजते, जब अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल पार्सल कर रहा है तो वो पर्टिकुलरली उसको रैप अप करके भेजते हैं। तो रैप करने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल होता है वो श्राउड कहलाता है। ठीक है, एक मतलब और है इसका श्राउड का, सेल से रिलेटेड मतलब है ना। जो सेल में ये जो, अगर आप देख पा रहे हैं ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें दिस इज श्राउड, जिससे उसको सपोर्ट मिला है। सपोर्ट सिस्टम जो होता है सेल में, दैट इज श्राउड। ये इस तरह से होता है, कभी आपको मौका मिले जरूर देखना क्या चीज है एग्जैक्टली। तो इस पार्ट को भी सेल में श्राउड कहते हैं। गुड आफ्टरनून जी, अनुचलोता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट इज अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब बड़ा अच्छा मतलब है इसका, एक समझते हैं किसी की पावर को कम करना, किसी की एबिलिटी को कम कर देना, किसी की क्षमता को कम कर देना। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं जो, और ले भी सकते हैं एग्जाम्पल्स, हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, किसी के रास्ते को काटना क्या है, ये क्या चीज है, किसी के रास्ते में रोड़े अटकाना, उसको कम करना। कोई बॉस किसी को प्रमोशन दे रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, बॉस को जाके उसकी कमियां दिखा रहा, नहीं जी ये तो इसने गलत किया है, ये प्रोजेक्ट में तो इतनी सारी गड़बड़ है, आप कैसे इसको प्रमोशन दे सकते हो। तो वो क्या कर रहा है, उसकी एबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो किसी के रास्ते में कोई रोड़े अटकाना इज अंडरमाइन। ठीक है, ये इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे एक और इसका मतलब निकलता है मिलिट्री पर्पस से, इसका मतलब निकलता है कोई रास्ते को खोदना। वैसे तो आपने वो अगर देखी होगी महाभारत देखी होगी, महाभारत में वो जो अज्ञातवास में अर्जुन एंड पूरा पांडव का परिवार जाता है, तो वो एक जो डिग को खोद लेते हैं है ना अंडरग्राउंड, और फिर उसमें से बाहर निकल जाते हैं जब कौरव उनको बाहर से आग लगा देते हैं पूरे उनकी हवेली को, लेकिन वो ऑलरेडी वहां से पैसेज बना के बाहर चले जाते हैं। तो अंडरग्राउंड रास्ता बनाना किसी पर्पस के लिए, उसे क्या कहते हैं, अंडरमाइन। ये यूजुअली मिलिट्री पर्पस के केस में यूज होता है। पाकिस्तान क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले अंडरग्राउंड रास्ता बनाते हैं और फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, फॉर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए दे जस्ट कम हेयर। वो अलग अलग रास्तों से आते हैं, ऐसा तो नहीं है ना वो वीजा लगा के आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है ना जब वो अटैक करने आते हैं सामने से आ रहे हैं या वो तारों के नीचे से आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो कहीं से अंडरग्राउंड आते हैं, वो पानी के नीचे के रास्ते से आते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है, उनका मकसद है भारत को नुकसान पहुंचाना। तो अगर कोई इस मकसद से आ रहा है किसी के नुकसान करने के लिए, किसी की क्षमता को कम करने के लिए, किसी के पैसे को कम करने के लिए, किसी की पावर को कम करने के लिए, उसका मतलब होता है अंडरमाइन। आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है,
रजिंदर कौर ये डेली होती है क्लास, नाइक सिंह ये क्लास डेली होती है। अच्छा रजिंदर कौर आंसर दे रहे हैं। 12 बजे ये क्लास, ये सेशन रहता है, 12 से 1 बजे का टाइम है हमारा, जिसमें हम हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी भी रोज करते हैं। गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी। चलिए बम्प अप का मतलब क्या होता है? बम्प अप का मतलब होता है, अब जैसे हम समझते हैं दुनिया में ना बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरों का रास्ता काटते हैं, लेकिन बम्प अप में ऑपोजिट चीज होती है। वो क्या करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को सपोर्ट कर रहा है। जस्ट लाइक हेयर, मैंने चैट बॉक्स में मैंने बाद में देखा वॉट आई वॉज सीइंग कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने किसी की मदद कर दी है। किसी ने पूछा हू हैव आस्क्ड हियर, नाइक सिंह ने पूछा कि ये क्लास रोज होती है, उतनी देर में मैंने नहीं आपके रिप्लाई देखे थे, मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा था, उतनी देर में अदर स्टूडेंट्स ने उनको हेल्प किया। तो ये छोटी छोटी हेल्प क्या करती है, इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो अगर हम पॉजिटिव अप्रोच लेते हैं, किसी की मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं सो दैट वो आगे पहुंचे, हायर लेवल पे जाए, हायर पोजीशन पे जाए, हायर रैंकिंग पे जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बम्प अप। एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पिक्चर में ये लोग तो ऑलरेडी ऊपर हैं, लेकिन ये लेडी जो है व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, ये क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर इंसान की मदद कर रही है सो दैट वो ऊपर आए, वो सो दैट वो भी रैंकिंग में ऊपर आए, लेवल में ऊपर आए। तो किसी की ऊपर आने में मदद करना इज बम्प अप, ठीक है, ऊपर चढ़ना, हायर रैंकिंग को बम्प अप कहते हैं। नेक्स्ट इज बाउट। बाउट में देखते हैं क्या उदाहरण लिए हैं बाउट। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने कुछ दिन पहले ये वर्ड करवाया था, ये हिंदू वोकैबुलरी में थोड़े दिन पहले भी आया था, उसमें मैंने एग्जांपल लिया था एथलीट का। एथलीट का जो टाइम पीरियड होता है ना, किसी भी एथलीट का, बॉक्सिंग चैंपियन का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे वो बेसिकली अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं, दूसरा राउंड कंप्लीट करते हैं, तीसरा राउंड कंप्लीट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बाउट, ठीक है। तो बाउट का मतलब होता है कोई थोड़ा सा समय किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, रिसेंटली 3 months बैक एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना है, ठीक है, हाईवे बना है, 3 महीने पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बनने में कितना समय लगा, वो बनने में 4 साल लगे। जो 16-lane हाईवे है, पहले दिल्ली से मेरठ जाने में अराउंड 3 to 4 hours लगते थे, अब कितना समय लगता है, 45 मिनट्स का, ठीक है। हमें ये चीज दिख रही है कि 45 मिनट में हम दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन जो उसका बनने का समय है, वो समय उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, वो क्या कहलाता है, वो बाउट कहलाता है, ठीक है, समझ आया। पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का जो छोटा सा स्पैन है, जिसे हम कहते हैं कि कितना समय लगा है, वो बाउट कहलाएगा। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है इलेक्शन का। इलेक्शन होते हैं बैक एंड में 5 साल लगते हैं तैयारी करने में, 10 साल लगते हैं। अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी पता नहीं बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, वो गरीब लोगों के घरों में जाते हैं, वो विलेजेस में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वो ये सब स्ट्रैटेजी जो है उनकी अराउंड 2008, 2005, 2006 से चल रही है, लेकिन वो लंबा समय हो गया, वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, वो सेपरेट इशू है। इलेक्शन को मैनेज करना, इलेक्शन को प्लान करना, बैकएंड में जो भी समय लगता है, दैट इज डिफरेंट इशू। फ्रंट में जब वो अनाउंस करते हैं कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन को करने का, पूरा प्रॉपरली मैनेज करने का, पूरा प्लान करने का जो समय है, जिसमें वो प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं, जिसमें वो लोग वो सब भी करते हैं, वोटिंग के जो घरों में जाके देकर आते हैं, ड्रॉज वगैरह स्लिप देके आते हैं, उसमें वो बूथ मैनेज भी करते हैं, उसमें ए टू जेड चीजें मैनेज करते हैं, वो टाइम पीरियड क्या होता है, अराउंड 1 month का, ठीक
ठीक है, 1 month का टाइम पीरियड होता है या 1.5 month का टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जो छोटा स्पैन है उसे हम क्या कहते हैं, बाउट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बाउट कहेंगे। तो याद रखना, मैंने अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं ताकि आपके दिमाग से ये बातें ना जाएं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लियंस। कंप्लियंस का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू लॉ टर्म, लॉ से रिलेटेड टर्म है। तो उदाहरण में भी लॉ का ही मैंने उदाहरण लिया है। कानून बना, सरकार ने कानून बनाया, पास किसने किया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, जूरी मेंबर्स बैठते हैं, बहुत समय लगता है कोई कानून को समझने का, उसके प्रोस एंड कॉन्स को जानने का कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, बहुत समय लगाने के बाद कानून जो है उसको पास करता है, किसी भी रूल को, कोई भी रूल अगर आता है इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत समय लगता है उसको पहले समझने में फिर पास करने में, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब कंप्लायंस का मतलब क्या हुआ, कंप्लायंस का मतलब होता है हमारे से रिलेटेड है, हमें बोला जाता है ये लॉ बन गया अब तुमने इसको ओबे करना है, ये लॉ बन गया, कानून बन गया है, अब हमें बोला जाता है इसको ओबे करना है, इसका पालन करना है। उदाहरण के लिए लॉ में, कंप्लायंस में उदाहरण ले सकते हैं, वो पॉलीथिन बैन किए थे 2016 में, है ना, पॉलीथिन बैन कर दिए थे 2016 में मोदी ने। तो उसके बाद सरकार ने पूरी कंट्री में हर एक सिटीजन से रिक्वेस्ट की थी कि यू हैव टू ओबे दिस रूल कि हम पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम उस चीज को मान लेते हैं तो व्हाट डज दैट मीन, दैट इज कंप्लायंस, कि हमें ओबे करना है, हमें कंसेंट मिल चुका है, अब हमें आज्ञा का पालन करना है। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या था, कानून निकला, कानून बाहर आया, कानून पे डिस्कशन हुआ, कानून पास हुआ, फिर रेगुलेशंस की तरफ बढ़ता है। तो ये कंप्लायंस का मतलब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑनरस। ऑनरस बोलना है, वनरस नहीं बोलना, मैं यहां लिख भी रही हूं, ऑन रस, ठीक है, ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा काम करना जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे। उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जो मेरे माइंड में उदाहरण आया वो सबसे पहले इसका है, कोई भी ऐसा फिजिकल जिसमें फिजिकल पावर बहुत ज्यादा लगती है ना, ये ईंटें उठाने का काम, हमें तो लगता है कि घर बनाना आसान है, हमें लगता है बस पैसा दिया घर बन गया। एक्चुअल में घर बनने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने चाहिए, उसमें लेबर का बहुत बड़ा योगदान है, उस लेबर का भी बहुत बड़ा योगदान है जो लेबर हमारे घर तक क्रशर को पहुंचाती है, हमारे घर तक ईंटों को लेकर आती है, वो वहां जाके एक एक ईंट उठाकर ट्रक में फिल करती है, फिर यहाँ पे आता है ट्रक, फिर ट्रक से वो अनलोड होता है, पहले वहां लोड होगा फिर यहाँ अनलोड होगा। तो ये सब काम क्या लगता है, विदाउट एफर्टलेस है नहीं, बहुत सारी एफर्ट्स लगते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगे या जो काम बहुत मुश्किल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑनरस। एक उदाहरण मैंने और लिया है यहाँ पे समझने के लिए, हमारा एडुकेशन, एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो एजुकेशन जो होती है करना, माँ बाप के लिए हमें एजुकेशन पढ़ाना कोई आसान थोड़ी ना यार, नर्सरी से हम पढ़ाई कर रहे हैं ABC, फिर स्कूल वालों ने क्या कर दिया, स्कूल वालों ने वो कर दिया जी, नर्सरी के पहले भी प्री नर्सरी बना दिया, एक और क्लास ऐड कर दी, क्या फ्री में थोड़ी ना पढ़वाते हैं, स्कूल वाले तो पैसे लेंगे। नर्सरी के बाद हमारे टाइम पे LKG भी था, UKG भी था, अभी भी होगा, फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, ये सारी क्लासेस, उसके बाद 11वीं 12वीं आई, फिर ग्रेजुएशन, फिर हमारा BSc के 3 या BA के 3 साल, BCom के 3 साल, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे ने करनी है, मतलब हर क्लास में, हर सेमेस्टर में पैसे लगते हैं। तो क्या ये चीज माँ बाप के लिए आसान है, नहीं,
उन्हें बहुत बार लोन लेना पड़ता है, उन्हें बहुत बार अपनी चीजों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जो काम बहुत ज्यादा कठिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑनरस कहते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, मैंने फिजिकल जो डिफिकल्टीज हैं वो भी समझा दी आपको, जो वैसे प्रेशर होता है हमारी लाइफ में चीजों को लेकर, मनी को लेकर, वो भी मैंने दोनों तरफ से आपको डिक्टेट कर दिया है। आई होप आपको मैं एक्सट्रीम लेवल तक समझाती हूँ हमेशा, ताकि आसान चीजें आपको समझने में मुश्किल ना आए। दूसरी ऑनरस का एक और उदाहरण है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है सपोज किसी व्यक्ति ने, व्यक्ति पी ने व्यक्ति आर के साथ कुछ धोखा किया है, है ना, पी ने व्यक्ति आर के साथ धोखा किया, बिट्रे किया है, तो वो क्या करेगा, जब उस पी व्यक्ति, जब पी आर को जाके बोलेगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, वो मूवमेंट वो आसान नहीं होता किसी को ये बात मुंह पे बोलना कि तुमने गलत किया है। गलत करने वाला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इंसान के साथ गलत हुआ है वो ये जाकर जब सामने वाले इसको कन्फ्रंट करता है कि तुमने ये काम क्यों किया है मेरे साथ, कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए ये समझना, सोचना, बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो किसी भी तरह की मुश्किल, कोई रिलेटिव्स में कोई बात करनी है, कोई रिलेटिव्स को कुछ बात बोलनी है, सबसे ज्यादा कठिन कार्य क्या था, सबसे ज्यादा कठिन कार्य हमारे जीवन में क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। अगर रिलेशंस में हम छोटी से छोटी बात को ध्यान से ना बोलें तो कहीं ना कहीं वो रिलेशंस जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज नाइक सिंह, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है मैम, थैंक यू यार, पिछले सेशन जरूर देख लेना आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह की वोकैबुलरी जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आई यूजुअली ट्राई टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हमारे साथ होता है, जिन चीजों के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, वही एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लेकर आती हूँ। किरण कश्यप, अमनदीप, एग्जाम्स की नोटिफिकेशन तो इतनी सी आई है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में एग्जाम होंगे, डेट्स अभी नहीं आई। तो बजाय इन चीजों को सोचने के वी शुड फोकस ऑन दीज कंसेप्ट, ध्यान देते हैं ना पढ़ाई में, जब पेपर आएगा तब की तब देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट इंडिक्टमेंट को समझते हैं। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है एक वो कागज, अगर आपने देखा होगा लॉ क्या करता है, सपोज किसी ने कोई गड़बड़ की है तो कानून क्या करेगा, कानून की तरफ से किसी के घर पे या उस पर्टिकुलर इंसान के ऑफिस में एक लेटर जाता है, एक ऑफिशियल लेटर जाता है कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है, ये ब्लेम लगा है कि आपने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है। उस पेपर को भी इंडिक्टेड कहते हैं, इंडिक्टमेंट कहते हैं, उस पेपर को भी इंडिक्टमेंट कहते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई होप ये विजिबल होगा आपको। उस पर्टिकुलर पेपर पे जिस पे चार्ज लगाकर कानून हमारे घर पे भेजता है कि हमें बताता है कि तुमने ये गलती की है, उसे हम इंडिक्टमेंट कहते हैं। अदरवाइज इंडिक्टमेंट का मतलब ही यही होता है, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर कानूनी तौर पे एक्यूज करना कि तुमने ये गलत किया है, एक्यूज करना कि तुमने एक्यूजेशंस लगानी, यानी कि किसी के ऊपर चार्ज लगाना। एक चीज ध्यान से समझनी है आप सभी ने, एक्यूजेशन और एक्यूज्ड, ठीक है, यहां पे किसी ने ए पार्टी ए ने पार्टी बी के ऊपर एक्यूजेशन लगाई है कि इस पर्टिकुलर पार्टी ने हमारा 50,000 रुपया नहीं दिया, देना था 5,50,000, उसने हमें रिटर्न किया है 5 लाख रुपीज ओनली, ठीक है, या 1,50,000 कर दो, 50,000 के लिए तो वो कोर्ट जाएगा ही नहीं, या 2,50,000 कर दो। तो उसने कहा है, उसने एक्यूजेशन लगाया है, उसके ऊपर ब्लेम लगाया है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना है।
वो इंसान ने ए ने बी के ऊपर ब्लेम लगाया है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे 2.5 लाख रुपए नहीं दिए, इसने हमें दिए हैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए 5 लाख में। तो ये एक्यूजेशन है, ये प्रूफ नहीं हुआ, ये जज के पास जस्ट गया है, जज में दलीलें नहीं हुई हैं, इसके ऊपर विटनेस नहीं बैठा है, जज के सामने कोई दलील नहीं हुई, पार्टी ए के जज एडवोकेट नहीं आए, पार्टी बी के एडवोकेट नहीं आए, सिर्फ उसके ऊपर चार्ज लगा है। पार्ट बी में समझते हैं, यहाँ पार्ट बी में क्या हुआ, यहाँ जज ने सारी बातें सुन ली, ए के वकील से भी बी के वकील से भी, और उसने ये बोल दिया है हाँ ये सही कह रहे हैं, तुमने 2.5 लाख रुपया देना है और तुम्हें देना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पे ऑफिशियली वो एक्यूज्ड हो गया, यहाँ सिर्फ चार्ज लगा है, कोई कानूनी तौर पे उसके ऊपर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं हुई, उसके ऊपर यहाँ पे लीगलिटीज हो चुकी हैं, ये समझ आ गया है कि हाँ ये गलत है, ये एक्चुअल में जो बोल रहे हैं कि आपने चार्ज नहीं दिया वो एग्जैक्टली करेक्ट है। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू नाइक सिंह जी, वेरी थैंक यू यार। चलिए कोशिश करेंगे हम समझने की बहुत अच्छे से। तो इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर चार्ज लगाना, एलिगेशन बहुत अच्छा वर्ड है, याद रख सकते हैं एलिगेशन, किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाना है ना, चार्ज लगाना, कंप्लेंट करनी, काउंट करना, रैप करना, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट एक और मतलब है, अगेन थोड़ा सा जब हम जाते हैं स्पिरिचुअल लेवल में भी, डीप में भी जाना पड़ता है और मटेरियल लेवल में भी हमें डीप घुसना पड़ता है किसी भी वर्ड को समझने के लिए। ये मतलब को समझते हैं, कोई ऐसी स्थिति जो बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी जो हालत है वो दुर्दशा जो है वो खराब है, कोई चीज जो बहुत बुरी है। मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे ऐसे कानून बने हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे समाज में जो एक्चुअल में गलत है। कहते हैं कि कानून पास होगा होगा होगा, वो कब होगा वो भी पता नहीं, लेकिन कुछ कानून पास भी हो चुके हैं, उसके बाद भी गलत चीजें आज भी समाज में होती है। तो जो कोई भी एक्ट जो गलत है उसे हम गलत ही कहेंगे। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ पे, कोर्ट में अगर कोई क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है तो क्या लगता है, उस क्रिमिनल को क्राइम की सजा ऑन द स्पॉट मिल जाती है? यहाँ जज के सामने वकील बैठा ए, दूसरी तरफ का वकील बैठा बी वकील, उसने आपस में बहसबाजी की, फैक्ट्स पेश किए, प्रूफ पेश किए, और वो प्रूफ पेश करने के बाद क्या उसको सजा ऑन द स्पॉट मिल जाती है? नहीं मिलती ना, उसको वो सजा 30 साल के बाद जाके मिलती है, तब तक वो इंसान भी नहीं रहता। तो ये जो चीजें हैं जो एक्चुअल में गलत है हमारे देश में या हमारे समाज में, वो गलत ही हैं, जो बुरी हैं, जो खराब हैं, उसे भी इंडिक्टमेंट कहते हैं। या फिर जो जो आर्टिकल 15 मूवी में आपने देखा होगा, वो जो एक लोगों के साथ जो मिसबिहेव होता है ना, समाज में आज भी वो चीजें होती हैं, मिसबिहेव होता है लोगों के साथ, वो चीजें गलत हैं। आज भी जो टेरिबल जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, अपना SC ST के इलाके हैं, वहां पे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है आज भी। तो जो चीजें गलत हैं, जो बुरी हैं, वो बुरी ही हैं। तो इस तरह से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी हिंदू वोकैबुलरी। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कल आंसर दिए। अच्छी बात यह है कि पहली बार दी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये आंसर दिए कि मुझे 2 बार ये शीट बनानी पड़ी। तो पहले शीट में देखते हैं प्री कश्यप, रजिंदर कौर, रजिंदर कौर को आई थिंक से दोबारा से, अनु छलोत्रा, दीप मौर, या शायद मैंने नाम पता नहीं कहा, हाँ जस्ट वेट, ये कुछ गड़बड़ है इस वाले में, ने लिखे थे, आई डोंट नो वो कहां चले गए नेम्स। ओके, धालीवाल सिमरन
पहला नाम है, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, धालीवाल सिमरन पहला नाम है। उसके बाद प्री कश्यप ने आंसर दिया था प्रीवियस सेशन का, प्रीवियस होम असाइनमेंट का। वेरी गुड प्री कश्यप, वेरी गुड धालीवाल। रजिंदर कौर, इसके बाद ये रजिंदर कौर ने दिया है आंसर। उसके बाद दिया है रमनदीप ने, रमनदीप वेरी गुड यार, आप अगेन आपने स्टार्ट किया है, वेरी गुड। प्रियंका वर्मा जी ने दिया है आंसर, प्रियंका वेरी गुड। प्रिया चड्ढा ने दिया है आंसर, प्रिया। मीनू शर्मा ने, दीप मौर ने, ये दीप मौर मीनू शर्मा ने दिया है आंसर। क्लिक वर्ल्ड ऑनलाइन ने दिया है आंसर, सनी ने दिया है आंसर, धालीवाल सिमरन ने और सनी ने, अनुज लोत्रा ने, अबीर कुमार ने। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल के होम असाइनमेंट्स के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे थे। तो वेरी गुड गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आप स्टूडेंट्स एक्चुअल में सीरियस हो, आप स्टूडेंट्स डेडिकेटेड हो, आप स्टूडेंट्स में वो चीज़ है लगन करने की, समझने की। मुझे पता है कि आप दोबारा से सेशंस को ज़रूर देखते हैं, आप नोट्स ज़रूर बनाते हैं वोकैबलरी के, आप नोट्स ज़रूर बनाते हैं रूल्स के। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ और आप सब जो हैं उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और मेरी जो विशेज़ हैं आप सभी के साथ, बिल्कुल साथ में हैं आप सभी के लिए, कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हमें डेडिकेटेड बनाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहना है, करते रहना है। और हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कल के सेशन के हमारे क्वेश्चंस थे। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें हमें कभी कभार समझ ही नहीं आती। कई बार ऐसी मैथमेटिक्स की थ्योरम्स होती है ना जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं, कई बार ऐसे साइंस के कंसेप्ट होते हैं सर के ऊपर से निकल जाते हैं, कई बार ऐसे वोकैबलरी के वर्ड्स होते हैं जो सर के ऊपर से निकल जाते हैं। जो चीज़ें समझना मुश्किल है, जो चीज़ें समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस को समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये हमारा आंसर था, आप सभी ने करेक्टली दिया है। कुछ और वर्ड्स थे इसमें, उनको समझ सकते हैं। इनकंक्लूसिव क्या होता है, इनकंक्लूसिव होता है जिसका कभी कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। मैंने कोरोना का जो ये आया था, कोरोना का एक एग्जाम्पल लिया है, आज तक देखा जाए उन्हें ये नहीं समझ आया कि कोविड आया कैसे, उसके क्या कारण थे, उसके लिए पर्टिकुलर क्या मेडिसिन है, उसके लिए पर्टिकुलर कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ये जो हम बोलते हैं कि ये वायरस ए है, वायरस बी है, वायरस सी है, वायरस डी है, उन्हें समझ नहीं आया एग्जैक्टली। तो किसी चीज़ का अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकंक्लूसिव। जिसका एंड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकंक्लूसिव। वो ओपन है, वो चीज़ पे अभी रिसर्च चल रही है, उनको नहीं पता है, उसे हम इनकंक्लूसिव कहते हैं। नेक्स्ट इज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल होता है जिसके ऊपर बिलीव करना मुश्किल होता है, जिससे जो इम्पॉसिबल चीज होती है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसे हम इनकंसीवेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक एक बीमारी होती है किसी इंसान को, वो क्या करता है, चीजें चुराता है, पैसे चुराता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं है उसके पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अमीर नहीं है, उसको एक बीमारी है। वो कहीं पे भी जाएगा वहां से वो चीजें अपने बैग में डाल लेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो हुनर है कि वो चीजें उठा सकता है, चुरा सकता है। वो एक डिजीज है, अंदर से उसको एक पुश मिलता है, फोर्स मिलती है कि मुझे चोरी करनी है, वहां पर रखा सामान उठा लेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिया। और जो इंसान चोरी करता है उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनियाक, ठीक है। थैंक यू गाइस, जो स्टूडेंट चले गए हैं उनको थैंक यू। राजिंदर कौर, मेरा नाम है नितिका, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, चैपल से पूछ रहे हो, तो दैट इज गुड यार। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो आज का असाइनमेंट है वो मैं शायद डालना भूल गई हूँ, सॉरी यार, मैंने डाला नहीं है, मैं भूल गई। तो थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं। आज का कोई असाइनमेंट नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ लिख दूंगी, अभी भी कोई असाइनमेंट बना के लिख सकती हूँ, डजंट मैटर। ओके,
द वर्ड इज फ्लिम्सी. आपको आज के असाइनमेंट में फ्लिम्सी का सिनोनिम और एंटोनिम लिखना है. एक है वर्ड एडामेंट. एडामेंट का आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम लिखना है. सो ये दो वर्ड्स हैं, इसके सिनोनिम और एंटोनिम लिखने हैं. ये आपका आज का होम असाइनमेंट रहेगा. आई होप ये आपको विजिबल है. आप इसको कमेंट सेक्शन में दोबारा से लिखेंगे. तो गाइस चलिए सेशन को कंक्लूड करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी. Y356 कोड है, इसे अप्लाई करते हैं आप P++B का बैच परचेज कर सकते हैं, पंजाब का महापैक परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं पेड बैचेस में. टॉपिक वाइज हम पढ़ाई करा रहे हैं और बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं. स्टूडेंट जो हैं दे आर एक्वायरिंग मैनी गुड थिंग्स. तो मैं यही कहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यू शुड एनरोल योर सेल्फ इन दीज बैचेस, क्योंकि अच्छा है, एक ही बार आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. तो जब भी आप बैच को परचेज करें, ये कोड यूज कर लें, इससे डायरेक्टली आपको 78% का बेनिफिट मिलेगा. यानी P++B का बैच जो है वो आपको 1759 रुपीज में मिल जाएगा. अड्डा की ऐप से परचेज कर लेना, कॉइन्स भी यूज कर लेना उसमें. और पंजाब का महापैक है वो 3079 में और 4000 के आसपास 2 साल वाला मिल जाएगा. बेनिफिशियल है महापैक में क्या है, महापैक में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है. उसमें आपको सेपरेट बैचेस परचेज नहीं करने. उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, 518 मॉक टेस्ट, 513 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे. 4 ई-बुक्स आपको महापैक में मिल जाएंगी. लाइव रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. आपको डायरेक्टली टीचर से बात करने का, समझने का मौका मिलता है. प्लस रिकॉर्डिंग्स मिलती है, लाइव सेशंस भी अटेंड करते हैं आप. प्लस प्रीवियस बैचेस की भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं. उसमें आपको ई-बुक्स भी फ्री मिलती हैं. तो बहुत अच्छी एक ऑफर रहती है बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल दोबारा से सेशन में. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं. Y356 कोड है, ये याद रखना है कोई भी बैच को परचेज करने के लिए. चलिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस.